तो ये खाली बॉक्स है भाई, गिव अवे करने के लिए है नहीं मेरे पास, तो मैं बस वीडियो के लिए शूट कर देता हूँ एंड थोड़ा सपोर्ट कर, ठीक है ना? तू बोल दियो कि हाँ दिया है दिशा मैंने, ठीक है? कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप लोगों का चैनल पर एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरे ठीक पीछे इस वक्त मेरा पीसी सेटअप है, जो कि कुछ कुछ फैमिलियर सा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हो। बट फिर भी इसमें एक चीज मिसिंग है, और वो चीज क्या है? वो चीज है ये ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, जो मैंने फिलहाल इस वक्त पैक कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसका रिव्यू किया था। बहुत ही ऑसम कीबोर्ड है, सिर्फ 1200 रुपये में आता है अमेजोन से, वो भी ऑफलाइन मार्केट से शायद और भी कम मिल जाए आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अब तक तो प्लीज जाके देखो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैंने इसको पैक कर दिया है क्योंकि मैंने गिव अवे कर दिया था वन ऑफ यू लकी सब्सक्राइबर्स को, और उसका नाम है वंश राजपाल, लकीली ही लिव्स इन दिल्ली। तो मैंने उसको बाय पोस्ट सेंड करने की बजाय ये फैसला किया है कि मैं उसको मिल के दूंगा, एंड इट विल बी अ रियली बिग सरप्राइज फॉर हिम। और सरप्राइज इन द सेंस कि उसको मैं मिलने आ रहा हूँ, ये मैं उसको बता तो दूंगा, बट एक और चीज़ है जिससे वो सरप्राइज या शॉक जो भी हो जाएगा वो आप डिसाइड करो। मैंने डिसाइड किया है कि अप्रैल का मंथ है, तो क्यों ना थोड़ा सा अप्रैल फुल गेम भी खेली जाए। मैं उसके साथ एक थोड़ा सा प्रैंक करूंगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई देख, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, ना मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ कि मैं इतनी महंगी चीज़ गिव अवे करूँ। मैं उसको एक बात बोलूंगा कि भाई मैं तेरे को खाली डिब्बा दूंगा, और तूने बस मेरे कैमरा पर यह बोलना है कि हाँ भाई दिशांत भाई ने मुझे गिव अवे कर दिया है कीबोर्ड एंड माउस का। जबकि रियल में मैं उसको गिव अवे करूंगा कीबोर्ड एंड माउस का, बट उसके सामने मैं ये बोलूंगा कि भाई तेरे को मैं सिर्फ खाली डिब्बा दूंगा, और तू कैमरा में उसको शो ऑफ करके सबको ये बता दियो कि दिशांत भाई ने गिव अवे किया है। बट एज सून एज ही विल स्टार्ट टू लीव द प्लेस, मैं उसको पीछे से आवाज मार के बोलूंगा, अरे भाई मजाक चल रहा है, प्रैंक चल रहा है, वो रहा कैमरा हाथ हिलाइए, मैं उसको ऐसे करके बोलूंगा, एंड फाइनली आई विल गिव अवे दिस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो टू हिम। चलते हैं पहले मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यमुना बैंक मेरे घर से सबसे नियरेस्ट और कन्वीनियंट पड़ता है। उसके बाद मेट्रो से चलेंगे उत्तम नगर वेस्ट, विच इज वेरी फार फ्रॉम माई हाउस, बट कोई बात नहीं भाई, प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा, सो लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके मेट्रो स्टेशन, वहाँ पीछे खड़ी कर दी अपने अपनी धन्नो, और ये बहुत हैवी है यार, बहुत, द बिगेस्ट बैग आई कुड फाइंड इन माई हाउस इज दिस। व्हाटएवर, जो भी है, अब सह रहा हूँ वंश भाई तेरे पीछे, देख ले तूने क्या क्या करवा दिया, लेट्स गो। मिलते हैं फिर अब वंश के पास जाके सीधा, ठीक है? ओके बाय। मेरे पास फिलहाल 3-3 मेट्रो कार्ड्स हैं, चेक करते हैं इनमें से किसी में बैलेंस है भी या नहीं। ओ भाई साहब 188। तो गाइस आई हैव रीच्ड उत्तम नगर वेस्ट, जहाँ पर वंश का घर है। मैंने उसको कॉल कर दिया था ऑलरेडी 2-3 सेशन पहले, और वो यहाँ पर आ जाएगा होपफुली। आई हैव नेवर एवर एक्चुअली सीन हिम, बट फिर भी मुझे लगता है जितनी उसकी प्रोफाइल पिक में दिखता है थोड़ा सा उसको पहचान लूँगा, बट लेट्स सी। वो तो मुझे जान जाएगा, आई मीन इतना फेमस यूट्यूबर को कौन नहीं जानता। ओके गाइस टाइम टू स्टार्ट द प्रैंक। ये रहा उसका बॉक्स जो मैं अब खाली करने वाला हूँ, एंड उसको मैं खाली दूंगा पहले, एंड देन बाद में उसको बुला के पीछे से सरप्राइज करेंगे। ओके ओके गाइस मैंने ये पॉली बैग में डाल लिया कीबोर्ड माउस, और इस बॉक्स को बिल्कुल खाली कर दिया, ठीक है? इसको पैक करते हैं। ओके गाइस उसका कॉल आया है मुझे अभी कि वो पहुँच चुका है मेट्रो स्टेशन, एंड मैं भी पहुँच गया हूँ, एंड ही सेइंग कि वो ऊपर आ रहा है। आई डोंट नो वो कौन से एंट्री एग्जिट पॉइंट से आ रहा है, एंड मुझे तो एक ही दिख रहा है, ये आई गेस यहीं से आएगा वो, या यहाँ से या फिर इधर से मेरे पीछे से। एंड आई एम रेडी श्योर वो बहुत शौक होने वाला है कि मैं उसको सिर्फ खाली डब्बा दे रहा हूँ, लेट्स सी। उसने कहा तो है मुझे कि वो ऊपर आ रहा है, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि वो कौन से गेट से आ रहा है। तो वेटिंग, थोड़ा सा नीचे जाऊँ क्या? पर ऐसा ना हो मैं नीचे जाऊँ और वो ऊपर आ जाए, कोई बात नहीं, लेट्स वेट फॉर हिम। 2000 years later. ओके हियर इज, ओके सो फाइनली वंश इज हियर। और आज तक हम लोग सिर्फ पबजी में और फ़ोन पे बात करते होते थे, सो फाइनली एंड डैड अंकल, अच्छा सो अपने साथ अंकल जी को लेके आया, अपनी हिफाजत के लिए लगी हुई है, इसको अगवा ना कर लूँ, किडनैप ना कर लूँ। सो भाई तेरा गिव अवे मैं पर्सनली देने आया हूँ तेरे से, ठीक है? क्यों आए? क्योंकि ऐसे ही तू बाई चांस उस बंदे से मैं मिलना चाहता था कि एक तो इससे बात हो रही थी, ऊपर से तू दिल्ली में था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं कुछ डिफरेंट करते हैं। लूसीफर
लूसीफर नाम है भाई, लूसीफर नाम का क्या मतलब है, एक बार नाम का मतलब बता पहले। ऐसी मैंने रख लिया, मुझे कुछ चला। वैसे पता है लूसीफर का क्या मतलब होता है, क्या होता है उसका, जो क्या कहते हैं शैतानों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि एक तरह से शैतानों के ग्रुप लीडर को बोलते हैं लूसीफर। और हम इसको गिव अवे करते हैं इसका, ठीक है। आ जा भाई इधर आ जा। अच्छा सुन भाई एक बात सुन ध्यान से, पहले तो ये पकड़ एक सेकंड। अब ये देख, तेरे को कुछ वेट तो फील हो नहीं रहा होगा इसमें, तो ये खाली बॉक्स है भाई, गिव अवे करने के लिए है नहीं मेरे पास, तो मैं बस वीडियो के लिए शूट कर देता हूँ एंड थोड़ा सपोर्ट कर, ठीक है ना। तू बोल दियो कि हाँ दिया है दिशा मैंने, ठीक है। सो वंश भाई तेरा ये गिव अवे हो चुका है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड माउस है एंड आई होप तू इन्जॉय करे। तेरे पास पीसी है वैसे, गेमिंग पीसी है नॉर्मल पीसी है? चल कोई बात नहीं, अभी गेमिंग कीबोर्ड माउस आ गया, गेमिंग पीसी भी बनवा लियो, ठीक है भाई। ये रख तू एंड आई होप तू और गिव अवेज भी जीते, क्योंकि वैसे बाकी चैनल ऐसा करते हैं कि वो एक बार जो बंदा गिव अवे जीत लेता है उसको दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करने देते, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि यू हैव वॉन इट ऑलरेडी, तो तू दोबारा से भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है भाई। जा तू, ठीक है ये, तो ले ले। ये हाँ ये ले लेता हूँ, ठीक है। ओके बस ठीक है भाई, बाय बाय, नाइस टू मीट यू। ओके वो जा रहा है, अब वहाँ पे जा रहा है, अब उसको टाइम बुलाते हैं वापस। वंश इधर आ, इधर रन भाई, इतना भी गंदा नहीं है तेरा भाई, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रैंक था, ये पकड़ और इसके अंदर तेरा कीबोर्ड माउस है ये डाल ले भाई, ऐसे नहीं करते पागल है क्या, ऐसे थोड़ी करेंगे, ये डाल ले इसके अंदर ठीक से। सो गाइस वी हैव जस्ट प्रैंक्ड हिम, मैंने टेक वीडियो के साथ प्रैंक भी कर दिया तेरे को, तो तेरे कैसा लगा कैसा लगा तेरे को, तेरे को सीरियसली लगा कि नहीं दूंगा ना भाई? भाई मायूस, गंदे वाला मायूस हो गया था ये, गंदे वाला डिसहार्टेंड, जैसे कहते ना बंदी छोड़ने से भी ज्यादा दिल टूट गया इसका भाई, ऐसे नहीं करते। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक बार निकाल के दिखा दे सबको, वरना सब कहेंगे सच में नहीं दिया। ओके सो गाइस थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं भाई, मेरा क्या है, तू तू लकी इतना है कि तू गिव अवे में तेरा नाम आया, और मैं बहुत खुश हुआ, पता है खुश इसलिए क्योंकि इससे पहले से भी बातचीत चल रही थी, तो अच्छा लगा कि कोई नोन बंदा जीता। और ले जा इसको, डाल ले अच्छे से, पैक कर ले, ठीक है। चलो ओके गाइस,